हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। इस वक्त मैं हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग जाने वाले हैं श्रीनगर टू जम्मू। तो यहाँ से हम लोग बनिहाल तक बाई ट्रेन जाएंगे और उसके बाद हम लोग टैक्सी से जाएंगे जम्मू तक। तो कैसे ये ट्रिप हम करने वाले हैं और कितना इसका प्राइस आएगा पूरा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं अपना चेकआउट वगैरह करवा के। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है टाइम टेबल कि आपको कितने कितने बजे की ट्रेन मिल जाएगी। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, टिकट लेते हैं। टिकट के लिए थोड़ी ही लाइन है, तो टिकट लेने के बाद आपको मैं ज्वाइन करता हूँ। हमने टिकट ले लिया है, टिकट पड़ा है 90 रुपये का दो लोगों के लिए। तो ट्रेन हम लोग का 2:10 पे है, तो ट्रेन आने का वेट करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी ट्रेन का वेट करते हैं और ट्रेन आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं, ये ट्रेन आ गई आपको बनिहाल टू श्रीनगर होते हुए आपको बारामूला जाने वाली पैसेंजर। यहाँ पे आपको समय समय पे ट्रेन मिलती रहेगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको लास्ट ट्रेन आई थिंक 2 से 2:30 बजे तक ही मिलती है जो बनिहाल से निकलती है, बाकी आखिरी वाली ट्रेन वही एसी वाली होती है। जैसे जैसे समय बीत रही है स्टेशन पे भीड़ बढ़ती हुई जा रही है। देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, पैसे की भी बचत होती है और काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है श्रीनगर में ट्रेन का। हम लोग का ट्रेन बस 20 मिनट में यहाँ से निकलने वाला है। तो हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं, माइक नहीं लगाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो माइक लगाने का समय नहीं मिला मुझे। तो आवाज़ अच्छी थोड़ी भारी आ रही होगी, तो काम चला लेना, नहीं तो मैं वॉइसिंग करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय श्रीनगर, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। हमने श्रीनगर को बाय बाय कर दिया है। अब थोड़ा अंदर चल के आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि कैसा है ये ट्रेन अंदर से। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आप एंट्री करो तो ये साइड में आपको मिल जाएगी बैग, हम लोग का ये बैग पड़ा हुआ है और सीटें भरी पड़ी हैं। यहाँ पे एक मसला ये भी है ना कि सीट के लिए यहाँ पे जैसे पहले होता था ना कि पहले आओ पाओ, वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पर भी है। सीट मिलने की खुशी। दोस्तों इस वक्त हम लोग बनिहाल रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, हमारी ट्रेन 20 मिनट पहले आ चुकी है। तो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के हम लोग पता करेंगे कि टैक्सी का किराया कितना है जम्मू का और कटरा का। तो हम लोग को जम्मू जानी है तो हम लोग अपना टैक्सी पकड़ते हैं और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रास्ते में बताते हुए जम्मू लेके चलते हैं। तो चलिए वीडियो से आप बने रहिएगा। बनिहाल स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद ट्रेन खाली हो चुकी है और देखिए कितना सन्नाटा पसर चुका है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कितनी सारी भीड़ थी, तो चलिए अब हम लोग बाहर निकलते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही देखिए पूरा टैक्सी स्टेशन और ये प्यारा सा तिरंगा। तो टैक्सी स्टेशन में काफ़ी भीड़ है और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये रहा बनिहाल का रेलवे स्टेशन जो काफ़ी प्यारा बना हुआ है। तो हम लोगों ने बात कर लिया है, तो चलते हैं अपने टैक्सी पे बैठते हैं। देखिए टैक्सी ही टैक्सी लगी पड़ी है यहाँ पर, तो बैठ के आपको फिर हम ज्वाइन करते हैं। हमारे राहुल भाई यहाँ बैठ गए हैं और ये हमें फ्रंट सीट मिला है। ये बैठे हुए हैं दो दो बैग लेके, बाकी बैग ऊपर रख दिया गया है। तो बस इंतज़ार है कि गाड़ी फुल हो और हम लोग यहाँ से निकले। और ये अब तिरंगा देखो। तो हम लोग ने गाड़ी ले लिया, टवेरा है और गाड़ी भरने का वेट कर रहे हैं लोग, दो लोग कम हैं तो जब तक भरेगी नहीं निकलेगी नहीं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी प्राइसिंग की बात है तो हम लोगों ने अभी कन्फर्म नहीं किया है क्योंकि अभी तो गाड़ी ही भर रही है, तो जैसे हमें पता चलता है हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आप वीडियो से बने रहिए। दोस्तों इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उधमपुर, 7 बज रहा है और हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हम लोग खाते हैं और उसके बाद से हम लोग आपको जम्मू के लिए निकलेंगे। तो फिर आपको जम्मू पहुँच के मैं ज्वाइन करता हूँ क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब देखिए कब तक पहुँचते हैं, लेट हो जाएगा हम लोग को पहुँचते पहुँचते, और वहाँ जाकर होटल भी देखना है। तो जम्मू पहुँच के मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग जम्मू आ चुके हैं और जम्मू आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। हम लोग इस वक्त हैं हरी मार्केट में और हम लोगों ने होटल लिया है। ये होटल हमें 1200 रुपये का पड़ा हुआ है। तो हम लोग रात को स्टे करना था, कल मॉर्निंग हमें पठानकोट के लिए निकल जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बनिहाल से जम्मू तक आए हैं 600 रुपये में
और फ्रंट सीट पे बैठ के आए, वरना आप 500 में भी बैठ सकते हो पीछे वाली सीटों पे। तो हमें पीछे वाली सीट पे नहीं बैठना था, वहाँ पे 700-800 रुपये मांगते रहते हैं। तो आप उनसे बात करोगे तो आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि आप बात करो रेट फिक्स करने के बाद ही गाड़ी के अंदर बैठो, वरना गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ना फिर हंगामा हो जाता है। बैग वैग आप रख देते हो, उसके बाद से ना सारी गाड़ी चली जाएंगी, उसके बाद से आपको बोलेंगे तब जितना पैसा दो या तो उतरो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आई है। ब्लॉग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली और वीडियोज़ के लिए। अभी हम लोग का प्रोग्राम कल का क्या है, हम लोग को पठानकोट जाना है, और पठानकोट के रास्ते हम लोग हिमाचल जाने वाले हैं। तो आपको अगला सीरीज जो आने वाला है वो हिमाचल का आने वाला है। तो कश्मीर सीरीज यहीं पर समाप्त हो रही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। मिलते हैं आपको अब हिमाचल वाले सीरीज में। अभी के लिए बाय बाय। तो जी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कश्मीर आते हो तो आप हर जगह जाने के लिए आप ऑटो ढूंढते हो, करते हो, तो कहीं 400 मांगता है, कहीं 350 मांगता है, कहीं 200 मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग के एरिया में, आपके एरिया में ओला उबर चलता है, वैसे यहाँ पर भी चलता है, जिसका नाम है जुगनू, आला और नोवा। ये तीन मुख्य ऐप हैं यहाँ के, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इससे आप सस्ते में कहीं पे भी गाड़ी बुला सकते हो और घूम सकते हो। फोर व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने खुद किया था तो हम लोग को 400 रुपये ऑटो वाले ने मांगा था और हम लोगों ने 325 रुपये में अपनी गाड़ी इससे की और आराम से आ गए, ठंडे से बचें। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आपके पास ये तीन ऐप हैं, आप डाउनलोड करके इसको करके पैसे ही बचा सकते हो और ख़ुद को भी सेफ रख सकते हो। कहीं फंसे हुए हो तो भी रात को भी आप इसको आप ऐप डाउनलोड करो और बुक करो।